हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बिट्टूज बायोलॉजी क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 5 दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का वीडियो लेक्चर 3। आई नो बहुत टाइम से हम लोग इनएक्टिव थे यूट्यूब पे, कुछ चीज़ें चल रही थी जिंदगी में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आई एम लेट बट इट्स ओके, एटलीस्ट आई एम बैक, ठीक है। सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट एज वेल। ओके चलिए, तो चैप्टर नंबर 5 आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज दिस सेल वॉल, राइट। सेल वॉल के बारे में आज हमको पढ़ना है। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्या देखा था उसके ऊपर थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी सॉ इन डिटेल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल द फिनोमिना गोइंग ऑन विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट आर एसोसिएटेड विद इट, राइट। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलग अलग नाम थे और ढेर सारे काम थे, एज सिंपल एज दैट। तो पहला नाम था उसका सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इतने सारे नाम हैं तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। क्यों है ऐसा? सिलेक्टिवली परमिएबल बिकॉज इट डज नॉट अलाउ ईच एंड एवरी सॉल्यूट टू पास थ्रू इट, ओनली दोज सॉल्यूट्स विच आर लिपिड सॉल्यूबल, है ना, उन लोगों को ही वो पास थ्रू होने देगा। और जो वाटर सॉल्यूबल है वो कैसे जाएंगे, वो आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ आयन गेटेड चैनल्स होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं जो किसी किसी स्पेसिफिक टाइम पे ही खुलेंगे, तो उस तरह से उनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, जस्ट लाइक दैट। फिर है उसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज वो एक प्लाज्मा को कवर कर रहा है। कौन सा प्लाज्मा है वो? तो साइटोप्लाज्म, है ना। तो साइटोप्लाज्म इज वॉट? सेलुलर फ्लूड, फ्लूड बोले तो प्लाज्मा, तो इसके लिए उसका नाम हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर आता है उसका नाम सेमी परमिएबल बिकॉज फिर वही बात के सारे सॉल्यूट को नहीं पास होने देता, सिर्फ आधे को ही होने देगा, तो इसके लिए सेमी, सेमी मीन्स वॉट? हाफ। एंड परमिएबिलिटी मीन्स द परमिशन टू पास थ्रू समथिंग, ठीक है। तो इसके लिए उसका नाम सेमी परमिएबल भी पड़ गया, ठीक है। अब जो फिनोमिना उसके साथ एसोसिएटेड थे दोज वर ऑस्मोसिस, फिर ऑस्मोसिस का अगर एग्जोस्मोसिस हो जाए और सेल सिकुड़ जाए तो प्लाज्मोलिसिस, डिफ्यूजन, ये सब हमने डिटेल में देखा हुआ है। फिर हमने ये भी देखा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक जिसमें सॉल्यूट जो है कुछ ज़्यादा ही होता है तो पानी तुम्हारा बाहर चला जाएगा, मतलब सॉल्यूट जो है वो सराउंडिंग में ज़्यादा होगा, पानी तुम्हारे सेल के अंदर ज़्यादा होगा, सिंपल है। तो वो बाहर चला गया तुम्हारा पानी तो सेल हो गया श्रिंक। हाइपोटोनिक, सॉल्यूट बाहर कम है तुम्हारे सेल में ज़्यादा है, यानी सेल के बाहर पानी ज़्यादा है तो पानी आएगा सेल के अंदर तो सेल हो जाएगा स्वेल, राइट। तो वो था हाइपोटोनिक। एंड तीसरा है आइसोटोनिक, जो सबसे चिल मानस है, उसको कुछ करना नहीं है, बाहर भी सेम है अंदर भी सेम है, क्या सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ले लो या वाटर का, दोनों तो है सेम, सो देर विल बी नो ओवरऑल वाटर मूवमेंट इनसाइड और आउटसाइड द सेल। ऐसे सिस्टम को हमने कहा था आइसोटोनिक सॉल्यूशन। डिटेल्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, यू कैन गो चेक इट आउट। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे खूब तो मैं पढ़ाते रहूंगा ऑन यूट्यूब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेल वॉल। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द सेल वॉल इज, ठीक है। सबसे पहला लाइन देखो, ओके हाँ, मैंने ये सब कुछ पहले से इसके लिए लिख के रख दिया बिकॉज चालू वीडियो में लिखते हुए तुमको दिखाने में कोई तुम्हारी आत्मा तृप्त हो नहीं जाती, ठीक है, मतलब लिखने में कोई मजा है नहीं। अब जो लिख दिया उसको समझो, एट द एंड तुम लोग स्क्रीनशॉट तो ले ही लोगे, ठीक है। ओके, ओनली इन प्लांट सेल्स प्रेजेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि भाई जो सेल वॉल है तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही है, एनिमल सेल्स में नहीं है, और बैक्टीरिया और फंगस में भी है पर एनिमल सेल्स में तो नहीं दिया है। ये नाइन साफी क्यों एनिमल्स के साथ? तो नाइन साफी नहीं बोल सकते आप, सिंपल सी बात समझो, अगर बाहर तड़पता धूप है तो तुम कहाँ जाओगे? छाए के नीचे जा सकते हो, इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? मूवमेंट और लोकोमोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कर सकते हैं ना अपन, यस। प्लांट कर सकता है क्या? नहीं, वो जहाँ है उसको वहीं के वहीं रहना है, है ना। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगी, बेटे आग तो बाद में लगेगी लेकिन पहले तुम भीग जाओगे, सर्दी लगेगी पहले, ठीक है। तो हम लोग उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं जा सकते हैं किसी और जगह पे, लेकिन प्लांट जा सकता है क्या? नहीं। तेज हवाएं चल रही हैं, तुम जा सकते हो? यस। प्लांट जा सकता है क्या? नहीं। सो इन एनी ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस, जब भी तुम्हारा क्लाइमेट का कंडीशन खराब होगा या फिर कितना भी वर्स होगा, हार्श होगा, डेंजरस होगा, यू आर एबल टू मूव और द एनिमल्स आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, बट द प्लांट्स कैन नॉट। प्लांट बेचारे नंगे भूखे प्यासे वहीं पे खड़े हैं एक ही जगह पे, भूखे प्यासे तो नहीं, नंगे तो हैं, राइट। दे डू नॉट हैव एनी एक्सटर्नल कवरिंग, उनके पास कोई क्लोथिंग नहीं है, शेल्टर नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो लोग को तो अपना ध्यान रखना ही है ना। तो नेचर ने क्या दे दिया उनको? सेल वॉल। एन एडिशनल लेयर आउट ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज वॉट? सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन ऐसे तो आउटर मोस्ट कवरिंग होता ही है जनरली हर एक सेल का, लेकिन उसके बाहर भी अगर एक कवरिंग आ जाए तो हम इसे क्या कहेंगे? सेल दे वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल है उसके पास प्रोटेक्ट करने के लिए, एडिशनल लेयर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेल्यूलोज? सेल्यूलोज होता है एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल, और थोड़ा स्पेसिफिक हो जाऊं तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर,
ठीक है, आप ढेर सारे शुगर मॉलिक्यूल्स को अगर मिला देंगे तो आपका बन जाएगा सेल्यूलोज। तो एक कॉम्प्लेक्स शुगर है सेल्यूलोज जिसका ये सेल वॉल बना हुआ है, किसका, प्लांट का। तो सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ, दिस इज द फंक्शन, कि अगर आपके सेल को बचाना है तो सेल वॉल होना चाहिए। सपोज दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है सेल प्लांट सेल का, और उसके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो बाहर वाला लेयर है दिस एग्जैक्टली इज सेल वॉल, और जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, सब एक ही है यहाँ पे, ठीक है, तो उसके बाहर होगा तुम्हारा सेल वॉल, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट द सेल ड्यूरिंग प्लाज्मोलिसिस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मोलिसिस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो सपोज ये तुम्हारा सेल है, आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के सॉरी सेल वॉल है प्लांट के अंदर, तो आउटर मोस्ट लेयर क्या है, सेल वॉल, राइट, ये तुम्हारा सेल वॉल है, दिस इज द सेल वॉल CW, और उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, व्हाइट वाला जो मैंने बनाया सेल वॉल है, और बीच में अपने डाल देते हैं न्यूक्लियस, ये आ गया तुम्हारा न्यूक्लियस। अब पहले तुम्हारा जो सेल है दैट वाज अंडर नॉर्मल कंडीशन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आइसोटोनिक कंडीशन में है, उसका वाटर सब कुछ बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक से मेरा मन किया और मैंने इस सेल को पहुंचा दिया इनटू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन में पहुंचा दिया मैंने, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब सेल के अंदर पानी ज्यादा है और सेल के बाहर सॉल्यूट ज्यादा है, सिंपल है। मैंने क्या कहा, सेल के अंदर पानी ज्यादा, सेल के बाहर सॉल्यूट ज्यादा, उसी को हम लोग हाइपरटोनिक कहेंगे, ठीक है। तो मान लो सेल के अंदर ढेर सारा पानी था, सी दिस इज द वाटर इनसाइड द सेल, और ये बना लेते हैं उसका न्यूक्लियस, राइट। अभी तुम्हारा कौन से कंडीशन में डाल रहा हूँ मैं इसको, हाइपरटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिक का मतलब आई होप आपको समझ में आ रहा है कि सेल के बाहर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सिंपल है। तो बाहर हाइपरटोनिक है यानी सॉल्यूट बाहर ज्यादा है, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, सेल के अंदर से बाहर, राइट। द मूवमेंट ऑफ वाटर विल टेक प्लेस फ्रॉम इनसाइड द सेल टुवर्ड्स द आउटसाइड, क्योंकि बाहर हाइपरटोनिक कंडीशन हो रखा है, ठीक है, बाहर तो सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट अगर ज्यादा होगा तो उसको डाइल्यूट करने के लिए पानी भेजना पड़ेगा, तो कौन पानी छोड़ देगा, आपका सेल। तो सेल ने पानी छोड़ दिया, जैसे ही सेल पानी छोड़ देगा सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर का सारा पानी चला गया बाहर। तो नाउ व्हाट विल हैपन इज तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन तो एकदम सिकुड़ के कोने पे चला गया कुछ इस तरह से, और न्यूक्लियस उसके अंदर का अंदर ही है, राइट। तो देखो पहले सेल तुम्हारा इतना बड़ा था, अब इतना छोटा हो गया, तो सेल मेम्ब्रेन के साइज के छोटे हो जाने से क्या सेल को कोई असर नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। तो सेल तुम्हारा जो है साइज में छोटा हो गया, हो सकता है मर भी जाएगा, राइट, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, लेकिन ये होने नहीं देना है, तो इसको कौन रोकेगा, तो वो मसीहा है तुम्हारा, नन अदर देन सेल वॉल, राइट। सेल वॉल वो मसीहा है, कि सेल वॉल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन ने कितना पानी छोड़ दिया। सो नाउ दिस श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इटसेल्फ इज नोन एज व्हाट, प्लाज्मोलिसिस। और ये जो ऑस्मोसिस हुआ इसको हम कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस, बिकॉज द वॉटर मूव्ड आउट ऑफ द सेल, एक्सो ऑस्मोसिस, वॉटर मूव्ड आउट ऑफ द सेल फ्रॉम अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया एक्सो ऑस्मोसिस। बट सिंस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन गॉट श्रिंक्ड, इसका नाम पड़ गया प्लाज्मोलिसिस। अब प्लाज्मोलिसिस होने के वजह से सेल का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो सकता था, लेकिन बचाया किसने, सेल वॉल ने। देखो सेल वॉल वैसा का वैसा है, तो सेल का शेप तो मेंटेन्ड ही है, आर यू गेटिंग द पॉइंट, अंदर से भले खोखला हो गया लेकिन बाहर से उसका सेल मेंटेन्ड है, सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है। तो ये जो सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करके दिया वो किसने करके दिया, सेल वॉल। अब समझ में आया कि हाउ डज इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। तो प्लाज्मोलिसिस के टाइम पे ऐसे बचाव करता है कौन, तुम्हारा सेल वॉल, प्लांट के अंदर का जो सेल वॉल है वो, ठीक है। नाउ द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया फंगी एंड प्लांट्स परमिट देम टू विदस्टैंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अभी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भैया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर मतलब था बाहर सॉल्यूट ज्यादा है, हाइपो मतलब सेल के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है। फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, ओके, लेट मी एक्सप्लेन थ्रू अ डायग्राम। सपोज दिस इज माय सेल, ये मेरा सेल है और सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है। अब एक बना देते हैं सेल वॉल, ये बना दिया मैंने सेल वॉल। हाइपोटोनिक कंडीशन मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, सेल के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, सेल के बाहर जो है सॉल्यूशन ज्यादा है यानी पानी ज्यादा है, ठीक है। तो हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होता है, पानी बाहर से अंदर आता है, ठीक है, पानी बाहर से अंदर आ, हाइपो मतलब लेस, लेस क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कहाँ पे, सेल के बाहर, सिंपल है, सेल के बाहर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी सेल के अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सेल के बाहर पानी ज्यादा है, सेल के अंदर पानी कम है, सिंपल है, ओके। तो पानी बाहर से अंदर आएगा किस में, हाइपोटोनिक कंडीशन में। तो जैसे ही सेल के बाहर से पानी अंदर आ गया तो सेल तो तुम्हारा
फट जाएगा है ना, फूल जाएगा देखो बहुत ज़्यादा, और एकदम सेल वॉल के पास पहुंच गया तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन तो एकदम इंटैक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सेल बर्स्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, सेल बर्स्ट, फट जाएगा। लेकिन इस केस में नहीं फटेगा, क्यों, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितना मर्जी फूल जाए, ठीक है, चारों दिशाएं से भले फूल जाए, लेकिन तुम्हारा सेल वॉल इंटैक्ट होता है। सेल वॉल उल्टी दिशा से और एक प्रेशर अप्लाई करेगा अपॉन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस प्रेशर विल कैंसिल ईच अदर, एंड एज अ रिजल्ट तुम्हारा सेल एकदम टर्जिड कंडीशन में आ जाएगा, एकदम एकदम टाइट हो जाएगा, लेकिन फटेगा नहीं। आया समझ में, सेल के अंदर पानी घुस रहा था तो ये सोलन हो रहा है, राइट, दिस इज गेटिंग सोलन, तुम्हारा जो सेल है वो सोलन हो गया, एज अ रिजल्ट सोलन तो हो गया लेकिन फट नहीं गया। क्यों नहीं फटा, द ओनली रीजन इज सेल वॉल। तो जब तुम्हारा सेल हाइपरटोनिक कंडीशन में है तो सेल हो जाता है श्रिंक, यानी पानी वो बाहर छोड़ देता है, पानी छोड़ के सिकुड़ जाएगा लेकिन सेल का स्ट्रक्चर नहीं खराब होगा ड्यू टू द सेल वॉल, दैट इज प्लाज्मोलिसिस। एंड जब तुम्हारा सेल हाइपोटोनिक कंडीशन में है, हाइपोटोनिक यानी सेल के अंदर पानी जा रहा है तो सेल हो जाएगा स्वेल, लेकिन स्वेल होने के वजह से या फूलने के वजह से फट नहीं जाएगा। क्यों नहीं फटेगा, क्योंकि ऊपर से प्रेशर डालने के लिए फिर से कौन है तुम्हारे पास, सेल वॉल। तो ले दे के सेल वॉल इज द मसीहा हु विल प्रोटेक्ट द सेल इन एनी ऑफ द कंडीशन, वेदर इट बी हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, इन केस ऑफ प्लांट्स फंगस एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड ईच एंड एवरी केस, अंडरस्टूड। तो एनिमल कहां जाएगा, एनिमल तो भाग जाएगा क्योंकि हमारे पास है पैर, राइट, ओके। मुझे ये बताओ, अगर एनिमल के सेल के अंदर भी सेल वॉल होता तो क्या होता, एकदम गुड हो जाता, जी नहीं, बिकॉज दिस सेल वॉल ऑल्सो प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल, क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब थोड़ा कड़क बन, मत बन तो खोखला, ऐसे टाइप है, ठीक है, थोड़ा रिजिड हो जाता है तुम्हारा सेल वॉल, एंड रिजिड होने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, एंड क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी चली गई तो नाउ यू कैन नॉट मूव सो इजीली, राइट। तो मूवमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ऐसा सेल वॉल हमको नहीं चाहिए था कभी भी। सो आर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इज आर ओन कॉन्शियसनेस, तो हम लोग खुद अपने कॉन्शियसनेस से बच ही सकते हैं, इसीलिए हमको कोई एडिशनल स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है। I hope I am very very clear to you. So this is everything about the cell wall, guys. Please take the screenshot. Okay. So I hope आपको सबको समझ में आ ही चुका होगा, right? अगर कोई भी doubt, दिक्कत, परेशानी, समस्या, उलझन रह गई हो तो please आप comment box में डाल ही सकते हैं, otherwise मैंने तो सब कुछ पढ़ा ही दिया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।